नमस्कार प्रणाम मित्रों, मैं ऋषभ। आज हमारे साथ मगहिया जवान के दो जवान जुड़े हैं। हमारे साथ समर और गौतम जी जुड़ चुके हैं और आज हम दर्शकों के कुछ सवाल को अपने साथ लेके आए हैं जो हम मगहिया जवान के दोनों जवानों से करेंगे। हाँ, तो समर जी और गौतम जी, आपसे सबसे बड़ा सवाल, आपके वीडियोज़ में जातिवाद क्यों नज़र आता है और इस जातिवाद की पनप कहाँ से शुरुआत हुई? पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार प्रणाम, दोनों भाइयों को प्रणाम। हम गौतम और ये हमारे साथ समर हैं। तो जहाँ तक जातिवाद की सवाल है तो मैं ऋषभ जी, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जहाँ तक हम लोग आज तकरीबन 2.5 से 3 महीनों से एक अश्लीलता को लेकर मुहिम चला रहा है जी, जी है ना, जिसमें आपको पता है कि कलाकार यानी गायक हर जाति से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल है ना। और हम लोगों ने, आपने अगर हमारा एपिसोड देखा होगा या देख रहा होगा जी जी, तो देखने को मिला होगा आपको कि हर जातीय कलाकारों को हम टारगेट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो इसमें अगर कोई अपनी जातिवादी मानसिकता को ले या चीज़ों को जातिवाद पर ले, तो हालांकि मैं उनका मूर्खता समझूंगा जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं वो। और ऋषभ जी, तो आपको पता है कि ये है बिहार, हाँ जी है ना, तो बिहार में खैर जातिगत चीज़ें तो जातिवाद का पनप यहीं से निकला। हम लोग जो एक्टर कलाकार को टारगेट कर रहे थे ना, जो पवन सिंह, अगर पवन सिंह बोल दिए तो उनके कास्ट के लोग हमको बोलेंगे कि इसको क्यों बोल दिए, खेसारी लाल यादव को बोल दूंगा तो वहाँ पर ही बोलेंगे कि इसको क्यों बोल दिए। पनपता जो जातिवाद है यहीं से शुरू हुआ है जी, जी मतलब जी, जितने भी अब तक हम लोग कलाकार के बारे में टर्चा है, वो देखिए ब्राह्मण हो, यादव हो, भूमिहार हो, पंडित हो, या फिर अपना राजपूत हो, कुशवाहा हो, है ना, कोई भी कलाकार हो, जब जब मैंने किसी जाति व्यक्तिगत विशेष पे वीडियो बनाया, तब तक हम लोगों को मतलब जातिगत मानसिकता से लोगों ने देखा और सुनने को मिला जी। जी धन्यवाद। अब लोगों का एक और बड़ा सवाल है, अच्छा, कि आप इस मुहिम के थ्रू अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तो सीधा सा सवाल ये है गौतम जी और समर जी कि इस मुहिम के थ्रू आप कितने पैसा इकट्ठा कर चुके हैं? हमारी जनता ये जानना चाहती है। बोला जाए तो मैंने 1 रुपया ना समझला हूँ, ताकि ये तू भी यूट्यूब चलावा, फेसबुक चलावा, तोरा एगो चीज़ देखला मिला हो तो एडवर्टाइजमेंट नाम का चीज़ एडवर्टाइजमेंट आता है, तो हमारे जब चैनल पे हमारा एडवर्टाइजमेंट देखा मिला ना है, तो पैसा कहाँ से कमेली बतावा तू ही। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है ऋषभ जी। आपका रोटियां सेकने की बात है तो मैं आपको बता दूं, हम दोनों भाई आज जमाने से रोटियां सेकते आ रहे हैं अपनी बदौलत। हाँ, अगर लोग की मानसिकता हो कि हम वीडियो बनाकर अश्लीलता का विरोध कर रोटियां या फिर एपिसोड बनाकर सेक रहे हैं, तो मैं कहूंगा उनकी मूर्खता है, बिल्कुल है ना। तो हम लोग रोटियां बता रहे 10 सालों से सेकते आ रहे हैं, हम लोग नौकरी कर रहे हैं तो रोटियां सेक रहे हैं, और हमारी इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर अश्लीलता दूर हो तो मैं उसी दिन वीडियो बनाना बंद कर दूंगा जी जी। लेकिन आपको पता होगा कि हमारे चैनल अगर पीछे में जाकर देखे होंगे तो हम लोग तकरीबन 2 सालों पीछे से सामाजिक कार्यों और कृतियों को लेकर लोगों को दिखाते हैं कि क्या घटित घटनाएं हो रही है। तो ये हमारा आज अश्लीलता आज का मुद्दा नहीं है, बहुत पहले का मुद्दा है, हम लोग समाज का सुधारक का। जी जी जी, चलिए बहुत बढ़िया समर जी और गौतम जी। अब तीसरा सवाल है, आपने अपने वीडियो के थ्रू ये बताया है लोगों को कि रील्स कृपया करके ना बनाएं, लेकिन अभी कुछ दिनों से आपको दर्शक देख रहे हैं कि आप भी रील्स को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है, रील्स बनाने के लिए हमने कभी मना नहीं किया है। क्या गौतम जी, मना किया है क्या? सवाल को मैं भी काटना चाहूंगा ऋषभ जी आपका जी, जी। मैंने रील्स बनाने के लिए मना नहीं किया, बिल्कुल मैंने मना किया कि जो भी बिहार झारखंड यूपी की बेटियां हैं जो रील्स पे अश्लील गानों पर ठुमका लगा रही है, उसको रोकना है, उसको रोकना है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, हम दोनों ने, कि आप रील्स पे एक्टिंग ना करो, अपनी मतलब प्रतिभा को मत दिखाओ लोगों के सामने, दिखाओ करो लेकिन अश्लीलता का प्रयोग करके नहीं। और जो आपको आज रील्स देखने के लिए मिल रहा है हम लोग का, वो आज का नहीं, बहुत पुराना है, हम लोग पहले से ही बनाते आ रहे हैं अच्छे गानों। जी 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 जी, बिल्कुल क्लियर जवाब है, सारे दर्शक इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो समर जी और गौतम जी, एक चौथा सवाल और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, लोगों का ये कहना है कि आप इस मुहिम के थ्रू बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, तो क्या अभी तक आपको किसी मूवीज़ का ऑफर मिला, क्या कहीं सीरीज़ का ऑफर मिला, क्या कहीं एल्बम का ऑफर मिला, और आप उसके लिए राजी हुए क्या? ये छोटा सा सवाल है गौतम जी। देखिए ऋषभ जी, सबसे पहले मैं आपके सवाल का स्वागत करूँगा, और बात यह है कि जहाँ तक रील्स में ऑफर मिलने, सॉरी मूवियों में ऑफर मिलने की बात है,
एपिसोड में ऑफर मिलने की, मतलब अपना अभिनय फिल्म हो जाए, अभिनय अभिनेता बनने का। तो हालांकि कोई ऐसा मानसिकता नहीं कि मैं अश्लीलता का विरोध करके मैं कल के डेट में अभिनेता और कलाकार बन जाऊं, है ना। ऑफर की जहां तक बात है, ऑफरें अपने को मिल रहा है, सच्चाई हो तो ऑफर मिल रहा है, लेकिन हम पहले जिस कृतियों को दिखा रहे हैं समाज को, जिस नीति के तहत हम लोग आए हैं, पहले उसको दूर करेंगे, है ना। फ्यूचर की चीजें आपको मैं नहीं डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आगे चल के भविष्य में क्या होता है किसके साथ कौन जानता है, कौन जानता है। एक सेकंड के लिए रोकूंगा गौतम जी और समझ जी आपको, कृपया एक छोटा सा एग्जांपल प्रस्तुत करें जिससे लोगों को ये लग सके किस प्रकार के ऑफर्स आ रहे हैं आपके पास, आप दोनों के पास। जैसे बहुत सारे कलाकारों के द्वारा, फिर डायरेक्टर या म्यूजिक डायरेक्टर हैं मूवी के, भोजपुरी से खास करके जो अपना संबंध रखते हैं, बहुत लोगों का कॉल्स वगैरह आए हैं, मैसेजेज आए हैं, मेल आए हैं कि मैं आपके साथ एक प्लान करना चाहता हूँ, शूट करना चाहता हूँ। और आपको बता दूं कि एक तो हमारा वीडियो आया था मगहिया जवान है करके, जी जी, वो एक हमारे भाई हैं, एक गायक ही हैं, वो भी पहले अश्लील गाना गाते थे, अभी अच्छे गाना गा रहे हैं। तो हम लोग के लिए हमारे साथ मुहिम में बन के एक गाना लाएं, जो वो भी चाहते थे कि वो शूट करें हमारे साथ और अच्छे शूट हो उसका एल्बम टाइप का, लेकिन हमने उनको मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम समाज के लिए आ गए हैं। तो हमने वो अपने ही फोन से, नॉर्मल फोन से वो करने का कोशिश किया। जी, बहुत बढ़िया काम है। संपर्क करना चाहते हैं, हालांकि देखिए हर भोजपुरी कलाकार या हर लोग चाहता है ना कि एक फ्री का एक्टर मिल जाए, बिल्कुल, है ना। तो लोग उसी प्रकार से ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिकता नहीं है कि मैं जाऊं और कल फिर से वहां जाऊं, फिर से मैं अश्लीलता फैलाऊं, अपनी मानसिकता इस प्रकार का नहीं। ऑफर्स आ रहे हैं, मैं कहूंगा जी, मतलब आप दोनों के कहने का सबसे बड़ा मतलब यह है कि आप समाज से इस अश्लीलता को दूर करना चाहते बस, हैं बस, बस, ना कि पॉपुलैरिटी ना फेम, नहीं नहीं कुछ ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। समर जी और गौतम जी, हमारा अगला सवाल है जी कि आप सही गानों को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं, गंदे गानों को प्रमोट करके आप लोगों के बीच ये दिखाना चाह रहे हैं कि भोजपुरी कितना अश्लील है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप लोग भी अश्लीलता फैला रहे हैं हमारी भोजपुरी भाषा के अंदर। देखिए ऋषभ जी, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं गंदे गानों को ना दिखाऊं तो पता कैसे चलेगा कि पवन जी के द्वारा या फिर खेसारी लाल यादव जी के द्वारा या गुंजन जी के द्वारा ये पास्ट में अश्लीलता नहीं परोसा गया है और अब भी नहीं परोसा जा रहा है। जब तक मैं उनके पुराने कार्यों को नहीं दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि नहीं, हमारे कलाकार बहुत अच्छे गाना गाते आए हैं। तो पास्ट की चीजों को इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आज नहीं, एक कलाकार जवाने से आज अश्लीलता परोसते आ रहे हैं और आज भी परोस रहे हैं। और जहां तक प्रमोट करने की बात है तो मैं आपको ऋषभ जी बता दूं, अच्छे कार्य के लिए किसी की सराहना बोलने से नहीं होता, आप उसकी सराहना कीजिए, लोग सदैव करते हैं, हमेशा करते हैं। जी जी बिल्कुल, अगर अच्छा को प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ती है, अच्छे चीजों की प्रमोशन की जरूरत नहीं होती है, प्रमोशन उसका होता है जो खराब है, घटिया है, उसका प्रचार एडवर्टाइज करके लोगों तक जन जन तक पहुंचाते हैं। और अच्छी चीज होता है, सही लोगों को नजर में रहता है श्रीमान। और हालांकि ऐसा बात कर रहे हैं हम लोगों ने अभी प्लान बनाया, हो सकता है कि दो दिनों में हम लोग ऐसा एपिसोड भी शुरू करें, हाँ, लेकिन उनके लिए करेंगे जो अब तक के इस अश्लीलता के मुहिम में हमारी बातों को मानकर या भावनाओं को लोग को समझकर अश्लील गाना गाना बंद कर दिए। अब मैं उनके अच्छे गानों को भी दिखाना शुरू करूंगा। तो चलिए, ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो हमारे दर्शक का ये कहना था कि कुछ आप सही गानों को भी प्रमोट करें, तो चलिए कुछ दर्शक संतुष्ट तो होंगे इस चीज़ से, आने वाली चीज़ें जो भी आपकी होंगी। जी जी हाँ जी, तो एक और अगला सवाल है खास करके समर जी और आपसे दोनों से कि एक समर जी का वीडियो वायरल हुआ था, कोई गाना था बबुआन से वगैरह, पवन सिंह का गाना था जी जी, तो जी। क्या उस वीडियोस के थ्रू आपने अश्लीलता नहीं फैलाई? बिल्कुल सही कहना है आपका। मैं वो जातिवाद पे वीडियो थी, नजर रात भर मिलावा बबुआन से, जी जी हाँ, यही गाना था। उस दिन हमारा बर्थडे था और अभी जो हमारा उम्र है, पहले का उम्र जो था, बहुत अंतर है फिलहाल। पहले तो ये बताइए, वो कितना पुराना वीडियो था? वो एक साल पुराना वीडियो था जी। और कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को भी कितने दिन बाद बुद्धि आई थी जी, तो हमको भी उस समय नादानी था, हम बना दिए। हालांकि वो हम किसी के सामने पब्लिकली नहीं रखे थे, वो कुछ हमारे ही मित्रों ने, जो मतलब जो बर्थडे में हमारा जो आए थे, वही लोग वायरल कर दिए। तो हमने पब्लिकली करके तो कोई जातिवाद या अश्लीलता नहीं फैलाया था जी जी जी। जहाँ तक ऋषभ जी पुराने चीज़ों को दिखाने की बात है ना, तो मैं बताऊँ आपको कि अगर हम कल क्या थे, है ना, मायने वो नहीं रखता, लोगों को देखना चाहिए कि आज हम क्या कर रहे हैं जी। हाँ, अगर इस अश्लीलता के मुहिम के बाद अगर हम लोग अश्लील गाने
पे डांस करते हैं, थिरकते हैं, गाते हैं, प्रमोट करते हैं, तब हम गलत हैं, तब सवाल उठनी चाहिए। और वो वीडियो की जहां तक बात थी, मैं हालांकि उस इसके जन्मदिन पर नहीं था मौजूद, लेकिन वो जन्मदिन के दिन इसने अपने खास रूम में जहाँ जी 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 है। वीडियोस में हाँ। प्रस्तुत हो रहा है कि वो रूम का एक सीन हाँ, है हाँ, हाँ, रूम का सीन है और वो अपना मौज मस्ती कर रहा था। हालांकि वो भी जातिवाद वाला गाना है और हम लोग आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे जो हम लोग आज विरोध कर रहे हैं ना, वो जातिवाद गानों का भी कर रहे हैं और अश्लील गानों का भी कर जी, रहे हैं जी, हाँ, अगर अब समर या अब गौतम वैसा करता है तो मैं उसके लिए समझिए कि उसको क्या कहा जाए, सजा के लायक हो, है ना। मतलब ये कहना चाहता है कि पास्ट में जो गलतियां थी उसको सुधार के आप अब अपर लेवल पे आ गए। जी, हम जी, सारे कलाकारों से कलाकार कह रहे हैं जी, सारे कलाकारों से भी यही कह रहे हैं कि जो आप पास्ट में गाए वो सो गाए सो गाए, माँ बहनों को शर्मसार किए सब किए, अब सुधर जाइए, अब बारी है स्वच्छता की ओर कदम बढ़ानी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो समर जी और गौतम जी, एक और बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा ही बोल सकते हैं इसको, कि आप भी कुछ ऐसे ऐसे टाइटल्स का यूज़ करते हैं, जैसे इन्होंने अपनी आईडी में समर प्रताप सिंह लिखा है, आपने गौतम सिंह राजपूत लिखा है, तो क्या ये दोनों जो टाइटल है ये जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता? और एक चीज़ और छोटी सी है, आप दोनों का जो बुलेट बाइक है, बहुत पहले का वीडियोज मैंने भी देखा, उस पर बाबू साहब का टाइटल दिया गया है, तो क्या ये चीज़ जातिवाद को प्रेजेंट नहीं कर रहा है? बिल्कुल सही कहना है आपका ऋषभ जी, मैं इसके लिए आपका छोटा सा बस जवाब देना चाहूँगा। जी जी, अगर मैं अपने टाइटल पे राजपूत लिखता हूँ, सिंह लिखता हूँ, बाबू साहब लिखता हूँ, जी जी, है ना, वो डिपेंड अपने इस मुहिम से नहीं करता, अश्लीलता के सॉरी जातिवादता फैलाने के तौर पे। मैं देखिए जातिवादी गाना को इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि अगर आप अपने पब्लिकली, है ना, सार्वजनिक तौर पे स्टेज के थ्रू किसी एक गाना के जरिए सारे जातियों को बदनाम करते हैं, टाइटल का मतलब पर्सनली रखा हूँ, ये हमारा अभिमान है, मैं इसको नहीं मिटा सकता, ये हमारा अभिमान और स्वाभिमान है। ऋषभ जी क्या है ना कि जहाँ तक टाइटल रखने की बात है ना, तो ये संविधान में भी स्वतंत्रता है सारे लोगों को, जी जी, जितने भी हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, वो स्वतंत्र है। अब तब तक वैसे शब्दों पे या फिर वैसे वाक्य पे आपका सवाल खड़ा नहीं होता है जब तक किसी दूसरे जाति या फिर दूसरे लोगों को ठेस ना पहुंचे, है ना। और बाकी सवाल कौन करता है? वही लोग करते हैं ना जो अपना टाइटल में यदुवंशी महाराणा तो कहीं पे सुशील शर्मा ऐसे ही लिख के वही लोग हम पे खुद ही क्यों नहीं सोचते कि हम भी तो लगाए हैं, आप भी तो यादव और शर्मा और कुशवाहा और सिंह राजपूत लगा के अपना नाम से हमें कमेंट कर रहे हैं। और जहाँ ये देखिए ऋषभ जी क्या है ना कि ये जो जातिगत विवाद है कि तुम क्यों रखे हो, तो हालांकि सोचना चाहिए लोगों को, मैं एक गाना का विरोध कर रहा हूँ जिसमें एक गाना के जरिए गायक के द्वारा दस एक जातियों का विरोध किया जाता है। बिल्कुल, कि फलाना की बेटी, चिलाना की बहू, है ना, इस प्रकार से रंग लगाना, चोली फूक फाड़ना, चोली खोलना, ये सब तरह की शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जातिगत, वो किसी जाति को टॉर्चर किया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है। हमारा टाइटल लिखे मैं किसको नीचा दिखा रहा हूँ? जी बिल्कुल, अगर गलत हो तो आप बताइए। नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म आपके लाखों लोग देखेंगे आपके वीडियो को, जब आप अपने द्वारा पोस्ट कीजिएगा तो कहिए कि मैं कहाँ पर किसको ठेस पहुँचा रहा हूँ। हाँ, तो हमारे दर्शक से अनुरोध है कि इस बात पर थोड़ा सा विचार करिएगा कि इन दोनों ने अपने टाइटल से किसी भी धर्म को आहत नहीं पहुँचाया है जिससे उन लोगों को तकलीफ महसूस करना पड़े, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे विचार करिएगा। अच्छा हाँ, गौतम जी और समर जी, एक मैंने वीडियो देखा भी, वो एक्चुअली मैंने क्वेश्चन वो प्रिपेयर नहीं किया था, अभी मेरे को जस्ट रिमेम्बर हुआ कि एक वीडियो मैंने देखा था जहाँ पे आप और गौतम जी और कोई और एक आपके मित्र होंगे शराब का सेवन कर रहे थे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये भी तो बैड हैबिट्स में आता है गौतम जी, जिससे समाज आहत हो। जी हाँ, पहले बता दे, प्रभाव पड़ता है लोगों, वो हमारा ही एक वीडियो था जिसका पार्ट कट करके जो हमारे विरोधी लोग जो अभी नहीं चाहते कि अश्लीलता खत्म हो बिहार से, जिन्हें जिनके माँ बहन को पसंद है अश्लीलता, वही लोग उसी वीडियो में से काट के और अपने वीडियो में 5 सेकंड तक का यूज कर रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो वीडियो जो है वो हमारे YouTube चैनल पे आज भी है, आज भी टंगा हुआ है। उस वीडियो में ये प्रदर्शित किया गया है कि दारू का सेवन जी इतना बुरा चीज है, इतना बैड हैबिट है कि एक समाज को या फिर एक दोस्त को या एक परिवार को कैसे बर्बाद करता है। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं क्या, कि जिनके दिमाग में डाउट होगा वो थोड़ा सा जाके सर्च करें। देखिए, अगर मैं पिया होता तो छोटी सी बात है ऋषभ जी कि वो वीडियो को मैं अपलोड नहीं करता। जी जी, कोई अगर अपना गंदी कामों को करके कोई गंदी काम करे और खुद से उसको प्रमोट करे, अपलोड करे,
तो मूर्खता है सोचने वाले। बाकी अगर आदमी शराब का सेवन करेगा तो खुले जगह पे तो नहीं करेगा ना, वीडियो तो नहीं बना करेगा। जैसे खुले जगह पे करेंगे तो दूसरे जगह से कोई वीडियो बना लेंगे, हम लोग तो छत पे, छत का वीडियो है वो, छत का वीडियो है। और मैं बता दूं कि उसमें दारू की बॉटल वास्तविक है, हाँ। पर उसमें रुआबजा मिलाया हुआ है जो गर्मी के दिनों में पीने के लिए आता है रुआबजा। थोड़ा सा गौतम जी समझिए उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। देखिए वो वीडियो का मतलब ये था कि दो दोस्त पहले से पीते रहते हैं बैठ के, और एक और अपने दोस्त को बुलाते हैं और उसको भड़काते हैं क्योंकि उसको सरकारी नौकरी लेना रहता है और नहीं तो पीता है बोल के। हाँ, वो नहीं पीता दारू तो हम लोग उसको बिगाड़ने का कोशिश देखो करते कैसे बिगाड़ते हैं, और उसी के भाई से लड़वाने का कोशिश करते हैं, घर तोड़वाने का कोशिश करते हैं, बस इतना ही मतलब। बहुत अच्छी सीख थी शराब पीना बुरी बात है, घटित होता है ना, वो चीजों को दिखाए हैं। नहीं भी पीता है ना, दर्शन किया है, नहीं भी पीता है तो उसको चढ़ा बढ़ा के देखो कैसे तोड़ा जाता है ना, ताकि लोग भ्रमित ना हो, इस तरह की घटना ना फंसे, ऐसा एक हम संदेश दिए हैं लोगों को। जी जी, तो दर्शकों थोड़ा सा इनके YouTube चैनल पे जाके उस वीडियो को डिटेल में देखिए और उसको समझने का कोशिश कीजिए कि उसमें क्या रिप्रेजेंट किया गया है और वो समाज के लिए कितना बेहतर है। आप अपनी वीडियोस में जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, और ख़ास करके कुछ लोग अपनी बहन अपनी माताओं के साथ भी उस वीडियो को नहीं देख सकते, तो ये भी बहुत बड़ी अश्लीलता फैला रहे हैं समाज के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके बहुत सारे दर्शकों का कहना है। जी भैया, बात तो एकदम आप सही कही था, लेकिन कहा ही ना कि जैसे पिछला कितना दिन से ये अश्लीलता अभी थलाए एकरा पर कहीं सब माय बहन देखा आल थी बिड़ोया, जितना भी अश्लील गाना हलाए सब माय बहन देखा आल थी, और हमारी अगर 3 महीना की कोशिश से पूरा अश्लीलता खत्म हो जाता है तो बाकी देखे में का बुराई है, और उनकरा ना देखे के चाहिए जे हमारे जेकर वीडियो हमारे खराब लगे थे हमारे वीडियो उनकरा का। गौतम भैया बिल्कुल कहा है ना जी कि हमने ये वीडियो के बना के कोई माय बहन तक अश्लीलता ना पहुँचावल चाहिए थी, अगर वाकई में थोड़ा सा कड़वा शब्द के प्रयोग कर रही है, लेकिन क्यों कर रही है वो देखे वाले हम अपन दर्शन दर्शक के भी कभी उनको पता है कि अगर वो वीडियो ला के दिखा के ओकरा पर हम कड़ा प्रहार ना कर भी ना तो अगला भी जो गावल गए जगह जरूर ना समझते ना सुधरता है ना, कहीं ना। और अगर जवाने से तू गाना के गावित बजावित मिलियंस व्यू चल गए है दिखावी तब माए बाप ना सुन ले, माए बहन ना देख ली हो, माए बाप के रोना देख ली हो, और आज मैंने ओकरा पर हम प्रहार कर लिया है तो अश्लील हो गया है तो सब माय बहन पास पहुंच जाए थे वो भी सदियों से 5-5 साल पहले ही गवाल, और हम तो आज 2 महीना से करी थी प्रहार और वो हटावेला माय बाप भी समझता थी, चाचा भैया मौसा सब लोग समझता थी क्यों हमने हटावेला करी थी प्रयोग। और हमारे वीडियो में एज रिस्ट्रिक्शन हुआ हुआ 16 साल के पहले के आदमी जो फेसबुक चलावा हो ओकरा पास ना जा हुआ वीडियो पेज पर ऐसा ऑप्शन आवा है वो हम डाल के रख ले। हाँ लोग देखे ही करे वो अलग बात है, लेकिन केकरो हमने के देखा कोई समाज में अपन मतलब व्यू के जरिए किसी को आहत पहुंचाना ना है या अश्लीलता फैलाना ना है, हम अश्लीलता पे पूर्णतः प्रतिबंध लगावा लिए वैसा देखा गाया कि हमने टारगेट करी थी और कहीं ना कहीं सबक सीख ले गलती है, हमने तो यही मानते। अब देखी तो जब से ये मुहिम चली थी गायक मतलब जितना भी टॉप क्लास से गायक कम हो लिया थोड़ा। जी तो धन्यवाद समर जी और गौतम जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपका ये जो काम है बहुत सराहनीय है, बहुत बहुत शुक्रिया। कंटिन्यू रहिए, बस हमारे दर्शकों को संतुष्ट करते रहिए, उनके जो सवाल होते हैं क्योंकि आपका फर्ज है उनके सवालों का जवाब देना और उनका सवाल करना भी उनका। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा काम किए, हम लोग से डायरेक्टली आगे पूछ ले, कहे कि हम लोग कमेंट में रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। जी जी, आप लोग से 2-3 महीने से मैं अपॉइंटमेंट लेने का कोशिश कर रहा था। चलिए कोई बात नहीं ऋषभ जी, मैं अपने दर्शकों से हम दोनों भाई विनती करेंगे कि ऋषभ जी के ऑफिशियल चैनल को ऋषभ सिंह ऑफिशियल के नाम से इनका चैनल पे ही जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इनका भी वीडियो को देखें, और बहुत अच्छा लगा हमारा साथ बात करके, काफी सारे डाउट्स भी क्लियर हुए, विदा लेंगे हम लोग। जय हिंद, जय मगा, जय मगा, जय बिहार।